अच्छा तो करा रहे हैं इसलिए पैसे तो नहीं लगे। आपको लगता है कि दो तीन साल पहले और अब में थोड़ा सा फर्क है हॉस्पिटल में राशन में भी फर्क है, राशन पूरा मिलने लगा है। ठीक है तो अब ये बताओ कि योगी सरकार पहले से बेहतर है? चलो ठीक है धन्यवाद। अरे हट जाओ, मैं इधर आओ, पीछे बोल जाओ यार। ठीक है खाना मिलता है आपको? सर खाना इसी नहीं, आप उनके लिए जो जस भाई के लिए। अच्छा जस भाई, दवाई दवाई किसी ने कोई करके ना। नानी देखो लड़के की सेवा करती है नानी। नानी जी जब लड़कियां होती हैं तो ये कहते हैं लड़का नहीं हुआ, और ये लड़की सेवा कर रही है तुम्हारी। ठीक है अच्छा माफ मुझे माफ, क्या तबियत खराब हो गई दादी नानी की? अच्छा तो कब से हो यहाँ? ये चादर आज ही बिछी है, कल थी चादर नहीं? अच्छा रोज बिछती है। अच्छा देखिए ऐसा है सरकार मतलब लेडी में। अच्छा सर कमी डेढ़ समाप्त हो गया आप अस्पताल से तो कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, स्वागत हुआ है। पर मैं वहाँ रहती ना, हम भगाती वहाँ से घर भी बेच ले, मेरे मकान भी बेच दे। हमारे कागज कहाँ के बने हुए? उधर के या इधर? कोई बात नहीं, कागज कहाँ के बने हुए? कुछ भी ना हुआ सब करा दिया। अब हमने ये व्यवस्था कर दी है कि जो राशन कार्ड आप बनेंगे वो आप कहीं से भी ले सकती हैं राशन, चाहे वहाँ के पते पे बने चाहे यहाँ के पते पे, और अब मुझे मिलेगा आपको राशन। ठीक है आपको राशन मिलेगा। अब इसमें पूरी बात 20 रुपये में फार्म भरा जाता है ऑनलाइन, वो आज ही भरवा देना, 3 महीने में राशन चालू हो जाएगा। सही बात है तुम्हारी, तो हम उधर लगाऊंगा मशीन में, पर चेक को महीना है कार्ड है कार्ड की है वो है ना, अब बंद कर दो ना उनने। तो लेबर रूम आज खाली है? कितने आज पेशेंट आए हैं? आज कितनी डिलीवरियां हुई सर? 1 मॉर्निंग में 4 नाइट। अच्छा महीने में कितनी हो जाती है सर? 250। अच्छा 8-10 रोज। अच्छा अच्छा चलिए बहुत बढ़िया, बधाई हो आपके हॉस्पिटल में अच्छा लगा के, ये बहुत अच्छे काम हुए हैं। देखिए हम लोग जो है सब लोग अपनी जीविका की चिंता तो हम सबको होती है, लेकिन जीविका के साथ साथ जो हमारा फर्ज है वो भी पूरा करते रहे तो फिर क्या हाल है? सर आइए बैठिए। आपकी कुर्सी चलते हैं चलते हैं। आपका धन्यवाद, आपका बहुत 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 धन्यवाद। आप लोग कहाँ के रहने वाली है? सर हम रहने वाले कई मुरादाबाद स्टेट। अच्छा और आप? दिल्ली से डाउन करती हैं? नहीं इधर ही कैंपस। अच्छा इधर ही कैंपस, ठीक है बधाई हो आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जो इलेक्शन करना है बच्चों क्या देश है?
देखिए मैं स्वास्थ्य राज्य मंत्री हूँ और करीब 1200 से ज़्यादा हॉस्पिटल हम लोगों के उत्तर प्रदेश सरकार के। तो जब हम किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो उसमें हमारे को बहुत सारी सूचनाएं मिलती हैं, बहुत सारी कमियां मिलती हैं, बहुत सारी अच्छी बातें मिलती हैं। उनके कारण हम लोग जब विचार विमर्श करते हैं तो हम लोगों को सुधार करने के लिए बहुत सारे सुझाव भी मिलते हैं। आपके यहाँ से भी सुझाव मिलते हैं, आपके यहाँ से अभी माननीय सरदार जी ने एक कमी बताई उसकी भी हम चेकिंग करेंगे, कोई गलती तो नहीं हो रही है। तो वहाँ जाने से जनता के बीच में जा करके जो लाभार्थी हैं उनसे भी हम सीधी बात करते हैं, तो हमें तरह तरह की बातें पता पड़ती हैं, आप लोगों से भी भेंट होती है, तो उससे कनेक्टिविटी बनी रहती है, जिसका यही कारण है। अच्छा सर, देखा गया कि एक आयुष्मान योजना 2011 में हुई थी जनगणना का आर्थिक स्थिति के आधार पर, उसमें कुछ लोगों को ऐसे थे जो पात्र थे, क्या ये दोबारा सर्वे आपके द्वारा करवाया जाएगा, क्या कर रही सरकार? दोबारा सर्वे अब से शुरू हो गया है, मेरे ख्याल से जनवरी से ही डेट आ गई है, दिसंबर से डेट आ गई है, ये सर्वे शुरू हो गया है। पुराने सर्वे के अंदर दोबारा से अगर सर्वे कराते हैं तो उसमें सालों लग जाते हैं, और मोदी जी ये चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी लोग हैं जिनको इस इलाज की ज़रूरत है उनका इलाज शुरू हो, फर्ज करो 2-4% अगर या जो भी गलती पुरानी सरकारों ने करके छोड़ी भी थी उसके चक्कर में बाकी लोगों का नुकसान ना हो, तो सद्भावना के नाते उसी लिस्ट को मान लिया। अच्छा जी, क्या ऐसा रहा जैसे आयुष्मान कार्ड है किसी पात्र का, उसको कुछ कमीशन के रूप में देना पड़ता है अस्पताल में? देखिए, इस तरह की जो संभावनाएं हैं उसकी अगर कोई शिकायत हम पे आई है या आपके द्वारा हम मिलेगी तो उसका निराकरण हम 48 घंटे के अंदर हम करते हैं। अच्छा सर, देखा गया पिछली सरकार में ढुलमुल रवैया अपना रही है, जिस तरीके से डॉक्टरों का अभाव, मरीजों की मौत, जिस समय इस पर क्या कहना? मैं बताऊँ हुआ क्या है, डॉक्टरों को सम्मान ठीक से ना मिलना, जो इज्जतदार आदमी होता है, स्वाभिमानी व्यक्ति होता है, जब तक उसे सम्मान नहीं दोगे आप और उसको पूरे देखभाल उसकी नहीं करोगे, पहली सरकारों में कोई रुचि नहीं थी विभागों को चलाने की, उन्हें केवल मंत्री बनना था, उन्हें केवल सत्ता में रहना था और बाकी सब बातें आपको पता है कि क्या सिस्टम हुआ करता था। अपॉइंटमेंट्स के अंदर पैसे लिए जाते थे लोगों के अंदर, ट्रांसफर पोस्टिंग के अंदर पैसों की बातचीत होती थी, ये सब आप सुन लेना, मालूम कर लेना। 8,000 डॉक्टर पहले हुआ करते थे, आज की डेट में 12,000 डॉक्टर थे, संविधान को मिला लो तो 16-17,000 डॉक्टर, कुछ विशेषज्ञों की कमी हमारे को नज़र आ रही है, ठीक है, जिसके कारण समस्याएं बनी हुई हैं। हमें उम्मीद है कि अगले 1-1.5 साल के अंदर अंदर ये समस्याओं में बहुत तेज़ी से प्रभाव आएगा। अभी योगी जी ने 17 नए मेडिकल कॉलेज की शुरुआत भी करी है, जिसके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में उत्तर प्रदेश को नए नए डॉक्टरों को मिलेंगे। अगले 10 सालों के अंदर अंदर डॉक्टरों का अभाव पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, पूरी तरह से, और 5 साल के अंदर अंदर सरकारी अस्पतालों से डॉक्टरों का अभाव पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। जैसे देखा गया जैसे आयुर्वेदिक अस्पताल है उनकी जर्जर हालात है, एक एक कमरे 4-4 बेड का अस्पताल चलाए जा रहे हैं, क्या इस पर सरकार आपका क्या? मैंने अभी बताया आयुर्वेदिक अस्पतालों की देखभाल थोड़ा दूसरा विभाग करता है, तो उसके बारे में मेरी कोई मुझे बोलने का मेरे को नहीं लगता है, लेकिन योगी सरकार के अंदर या भाजपा की सरकारों के अंदर कोई भी भाग आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो पहले से बेहतर नहीं कर रहा हो। थोड़ी बहुत कमियां रही होंगी अभी भी, लेकिन कोई भी भाग ऐसा नहीं है, चाहे हमारा खाद रसद का विभाग हो, चाहे हमारा खाद्य सुरक्षा का विभाग हो, चाहे हमारा ये मेडिकल का विभाग हो, चाहे हमारा शिक्षा का विभाग हो, कमियाँ हैं, लेकिन उन कमियों को दूर करने में 2.5 सालों में बहुत तेज़ी से प्रगति हुई। सर, जनपद में डेंगू मरीजों की भरमार है, इस पर सरकार की ओर से क्या व्यवस्था? कानपुर में, उत्तर प्रदेश के कानपुर में लगभग 200 डेंगू से लोगों की मौत हो गई है, आपको है 25 लाख रुपये मुआवजे। ये 200 लोगों की जो मौत की खबर है जो भी नीति है ठीक है जी, उसकी वजह क्या होती है कि डेंगू से जो भी मृत्यु होती है कोई भी उसकी एक एक मिनट की खबर हमारे मुख्यालय पर आती है, उसकी मैं आपको पूरी की पूरी रिपोर्ट आपके यहाँ उपलब्ध करा दूंगा। जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि 11 मौत हुई है, तो एक एक मौत जो हुई है जिसको भी बुखार से हुई है तो उसका टेस्ट पूरा होता है, उसकी टेस्ट रिपोर्ट
सारे की सारी लखनऊ केंद्र पर सेम डे पहुंचती है और माननीय मुख्यमंत्री खुद डेली रिपोर्ट लेते हैं, क्योंकि अब की बार हम लोगों ने ये तय किया था, योगी जी ने ये तय किया था कि अब की बार बरसात के बाद जो संचारी रोग है, संचारी रोग के लिए आपने देखा कि भाई हमने जनता के बीच भी हम लोग गए कि स्वच्छता अभियान रखो, मच्छरों को मारो। और अभी भी आपको मैं बहुत अच्छी अच्छी खबरें भी दूँ, गोरखपुर की तरफ, देवरिया की तरफ जापानी बुखार हुआ करता, 75% की कमी आई, कितनी 75% की वहाँ कमी आई। डेंगू बुखार का यदि आप आंकड़ा लोगे पुराने टाइम का, ठीक है, तो जैसे कानपुर में हुआ, थोड़ा बहुत लखनऊ में भी हुआ, ऐसा नहीं है नहीं हुआ है, लेकिन वो मात्रा कम है और ये भी नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर सरकार तो अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, थोड़ा सा जनता को भी पहल करनी पड़ेगी कि लार्वा ना आने दें, पानी के ऊपर मच्छर ना आने दें, खुले में पानी इकट्ठा ना हो, कूलर में पानी ना हो, ये सब बातें जो हैं। तो इसके लिए जो आपके चैनल हैं, आपकी जो मीडिया है, जो भी है, आप लोगों ने बहुत मदद सरकार की, जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए आप लोगों ने भी काफ़ी प्रयास और मेहनत करी है, तो आप और हम मिलकर हम बहुत जल्दी सब कुछ ठीक करेंगे। गांव-गांव गली गली में ये अपने हमारे जन थोड़ा सा डॉक्टर हैं, पूरा मकर जाल फैला हुआ है, आए दिन देखा गया आज जच्चा बच्चा की मौत, एक बड़ी समस्या है जो जीवन खिलवाड़ करते हैं। सर ऐसा ही एक हाल में मामला ये राणा क्लिनिक है सदरलीपुर रोड, उसमें हर साल 2-3 मौत होती है बच्चों की, मौत की कई बार विवाद। अब मैं आपसे लोगों से हाथ जोड़ते ही विनती करता हूँ, अभी आप लोगों ने यहाँ की जो CSC है उस पर लगभग दृष्टि इस पर रखी। हाँ ये सर, आपके सामने डॉक्टर बैठे हैं, बेड खाली है, हमने कब मना करा कि हम उनकी प्रसूति नहीं करें। लड़की पैदा होती है तो 6,000 रुपया मिलता है, 7,500 रुपये मिलता है। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे ही जच्चा का, प्रेग्नेंट महिला का आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो सरकार उसे अपने कंट्रोल में ले लेती है, उसकी देखभाल, कंट्रोल से मतलब उसकी देखभाल, उसके खाने पीने की व्यवस्था होती है, उसकी जाँच की जाती है, लगातार जाँच की जाती है, ठीक है, और उसको आर्थिक कठिनाई ना हो उसका भी ध्यान रखा जाता है, उसको अच्छे भोजन की व्यवस्था करते हैं। प्रसूति के बाद में यहाँ पर बोर्ड लगे हुए होंगे, नहीं लगे तो लगवा देना आप, कि 4 बार उसको फिर आना है चेक कराने के लिए, उसको हर तरह की दवाइयाँ गोलियाँ पौष्टिक दी जाती हैं, तो फिर क्या कारण है लोग झूला छाप के पास जाते हैं, ठीक है जी। तो इसे आपने ये जो सामाजिक जानकारियाँ हैं ये जब तक समाज के अंदर तक नहीं जाएंगी, तो जब तक इस तरह की घटनाओं को रोकने का प्रयास हमारा जारी रहेगा और लोगों को समझाने का प्रयास। तो सर नोडल अफसर भी इसका कोई लोग जागरूक करें, भी नोडल अफसर बनाए गए, नोडल अफसर भी जो तैनाती की जाती है कर रहे हैं। अच्छा फिर भी वो जागरूक, मेरी बात बताओ भाई कि भाई हम लोग समझा ही तो सकते हैं। अच्छा लोग जोशी के पास क्यों जाते हैं, झाड़ फूक वाले के पास क्यों जाते हैं? एक बाबा था टेलीविजन पर आता था, वो बिस्कुट खिला के गोलगप्पे खिला के इलाज कर रहा था, या उसे उन्हें कैसे समझाया, उसे पढ़े लिखे लोग, ठीक है। तो ये तो हम और आप मिलकर जागरूकता ही कर सकते हैं भैया, इसके अलावा तो कुछ और नहीं कर सकते, ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।